ये कई दिन पहले भाई जो खापों की मर्यादा है, जो हमारे राइट हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उसके दायरे के अंदर रहकर ही हम उसका फैसला करें और उसके दायरे के अंदर रहकर ही हम समाज का और व्यवस्था का पालन। कई गांव के व्यक्ति जींद का गांव पर है जलालपुरा कला, और जलालपुरा कला में मैं आपने दिखा सकूं हूं लाइव तस्वीर में, जलालपुरा गांव में कई गांव के व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं। क्या से इकट्ठे हो रहे हैं, के कारण से इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी हमें बात करांगे। आ रहा है मौजूद जो व्यक्ति हैं उनसे मिलके खास मुद्दे की खास पड़ताल में मैं आपका अपना जिंदर मान, और मेरे साथ में यहाँ से जो पंचायत में आ रहे हैं वो मौजूद हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। आज किस मुद्दे के लिए मतलब पंचायत हो रही है, किस मुद्दे पे की विचार चल रहा है आपका? आज का जो मेन एजेंडा है वो खा पंचायत और तत्वों के बारे में है। भाई इसकी जो कार्य प्रणाली है वो धीरे धीरे समाज में गिरती जा रही है, जिसकी जो खापों का जो व्यवस्थित तरीका था वो ये था कि जो खाप में झगड़े हैं, कोई उसके ऊपर बीमारियां हैं शिक्षा की जैसे, और जो कई दहेज प्रथा के हैं, लड़की पढ़ाने का है और एक गोत्र में शादी का है, गुआंड में आजकल लिविंग रिलेशनशिप वाला जो आजकल बीमारी एक नई कोर्ट ने आज़ादी दे दी, जो भी सरासर गलत है, तो इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए समाज के अंदर समरसता रहे, सभी धर्मों का सभी जातियों का सम्मान रहे, इस पर ही आज का जो मेन एजेंडा खापो का ये चर्चा है। नमस्कार जी। नमस्कार। कल भी हमने थोड़ी ही अपडेट देखी थी, जाट धर्मशाला में भी इकट्ठी थी, ऐसा क्या कारण हो रहा है हर रोज लोग अम्मा खाप की पंचायत, फलाने तपिया की पंचायत, फलाने खापा की पंचायत के लिए आज ये एक सर्व जातीय खापे जितनी भी हैं सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट जींद की बुलाई गई हैं, ताकि हम बैठ के एक निर्णय ले सकें, अपने अपने अच्छे सुझाव दे सकें, और जो भी सुझाव आए उन पे एक चिंतन करके और एक संगठन बनाया जाए ताकि हम और भी अच्छे काम कर सकें। ये जो खापे हैं, तपे हैं, प्रधान हैं, ये एक अच्छे काम कर सकें और समाज की बुराइयों को दूर कर सकें। गुरविंदर सिंह संधू, प्रधान माजरा। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मैं कपाल सिंह हूँ, प्रवक्ता सर्व जातीय निर्माण का। मोर साहब, ऐसे है कि आज समाज में बहुत ही मतलब क्या बढ़ती जा रही है, आप देख भी रहे हैं, उनके प्रति खापे क्या करने जा रहे हैं, जो कि मेन बातें हैं, एक तो गोत्र में शादी करना, लीव एंड रिलेशनशिप एक या नरिये बीमारी चल पड़ी, इसको ऊपर खापे क्या कर रहे हैं? तो आज जिला जींद की 23 खापे हैं जो आज इकट्ठा हुए हैं, और हम धन्यवाद करते हैं नौगामा खाप का, रविंदर जी का, बाकी साथियों का, इन्होंने एक अच्छी पहल की है। तो आज का हमारा जो एजेंडा है, मकसद हमारा यही है कि एक तो जो खाप पंचायतें हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए ताकि वो अपने बढ़िया फैसला लेकर के समाज के अंदर लाभ। दूसरा हमारा एजेंडा ये है कि समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ ऐसी चाहिए, आपने बताया लिव इन रिलेशनशिप की, कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई फेरे नहीं, कोई कुछ नहीं, और काम सारे हो रहे हैं शादी वाले, तो इससे बुरी बीमारी हिंदू समाज के अंदर बता सकती है, बुरी बीमारी हो सकती है, जिसको हमारा समाज स्वीकार ही नहीं करता, हमारी कोई परंपरा नहीं, हमारे कुछ नहीं, ऐसा कानून भी नहीं होना चाहिए। तो आज हमारा एजेंडा ये रहेगा कि सरकार को हम जिसको देंगे सारी खाप पंचायतें कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बदलाव किया जाए, और समगोत्र विवाह के अंदर और एक गांव के अंदर विवाह के अंदर, और जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको किसी भी रूप में मान्यता ना हो, वरना समाज विखंडित हो जाएगा और समाज के अंदर जितने भी रीति रिवाज हैं वो सब विखंडित हो जाएंगे। दूसरा, इस समाज के अंदर जितनी भी अन्य बुराइयाँ हैं उनको लेकर के कि हमारे बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी आती जा रही है, तो हमने फैसला किया है कि हम गांव के अंदर जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, बच्चों को मोटिवेट करें, टीचर्स की सहायता करें, उनसे पूछें उनकी समस्या क्या है, और उस समस्या को समझ करके हम खुद जा करके टीचर्स को बताएं कि कोई गाँव का बच्चा शरारत कर रहा है, कोई संस्कारी नहीं है, कोई गुंडागर्दी करता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं ताकि बच्चों को संस्कारित किया जा सके। तो इसलिए आज हमारा कुल मिलाकर के यही एजेंडा है कि खाप पंचायतों को एक ऐसा मजबूत किया जाए ताकि अपने फैसले ढंग से लागू कर सकें, और समाज के अंदर जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ हैं उन सामाजिक बुराइयों से निजात पाई जा सके, ताकि सरकार के ऊपर अपना दबाव बनाएं, राजनेताओं के ऊपर दबाव बनाएं, अफसरों के ऊपर अपना दबाव बनाएं। इस तरह के कानून हमें नहीं चाहते, जो हमारी परंपराएं हमारे रीति रिवाज नहीं चाहते, जो हमारे खिलाफ़ है वो कानून का हिस्सा भी नहीं होना चाहते। और आप देखते भी हैं
क्योंकि मैं प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ, राजनीति विज्ञान का मैं प्रवक्ता रहा हूँ, आप शुरू से हम पढ़ते आए हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस से हम बिल्कुल बच्चों को पढ़ाते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं कि समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर वही परंपरा, वही रीति रिवाज कानून बनाए जो समाज की परंपरा हो। क्या ये समाज की परंपरा हिंदू समाज की के लिए मैंने रिलेशनशिप में रहे, क्या हमारी परंपरा है कि गोत्र के अंदर शादी करें, क्या हमारी परंपरा के हमारे रीति रिवाज है कि गाँव के अंदर शादी करें। इसलिए जब ये सारी की सारी परंपरा के अनुरूप नहीं है, कानूनी परंपरा के खिलाफ है, तो ऐसे कानून भी रद्द करके अंतर बदलाव किया जाना चाहिए, ऐसे हम सरकार से। आज जो आपकी पंचायत चल रही है, इस पंचायत के अंदर मेन मुद्दा क्या है आपका? मेन मुद्दा ये है कि जो हमारे गाँव में सभी समाज में जो बुराइयाँ हैं उनको खत्म करने के लिए समाज बना, और समाज के जो जिम्मेवार आदमी हैं उन्हें बड़ा चिंता का विषय है कि गांव के अंदर माहौल ख़राब होता जा रहा है, नशे पे है, डीजे पे जब गाना गाते हैं वो गंदे गंदे गाने गाते हैं, शराब पी के गलियों में घूमते हैं, नशा भी मतलब हमारे युवाओं को भी बर्बाद करने लग गया, हमारे परिवारों को बर्बाद करने लग गया। इसी तरह हमें बड़ी चिंताएँ हैं, और जो बहू बेटी का हमारा मामला, वो पढ़ाई भी हो रही है और उसके अपेक्षा उसमें कुछ कुरीतियाँ भी आई, उन कुरीतियों को भी दूर करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि हम जो लोग अपने मान सम्मान के लिए जीते हैं नहीं, वो हमें अपना मान सम्मान बरकरार रखने के लिए भी मतलब ये पंचायत, क्योंकि हम अपना कमा के खाते हैं और कमा के खाने वाला आदमी कभी किसी का गुलाम नहीं होता, और वो हमेशा अपनी इज्जत और मान सम्मान के साथ मध्य समाज के अंदर जीना चाहता है, और वो जीने की राह तभी होगी जब हमारा स्वच्छ और साफ सुथरा भाईचारा होगा, और वहाँ कोई भी बुराई नहीं होगी, तो हमारा रास्ता बिल्कुल, जब अमन चैन और भाईचारा जब गांव में होगा तो हमारी ज़िंदगी तभी सफल है, तभी हम प्रधान कहलाएंगे और तभी अच्छे लोग कहलाएंगे, मेरा तो यही मानना है। मैं इसीलिए मतलब यहाँ आया हूँ, मैं हरिकेश प्रधान खटखट का। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी सिस्टम क्या चल रहा है आज कल, मतलब रिश्तेदारी गोत्र नातर सब क्या है, मैं मतलब सौदा बिछड़ गया, बिछड़ गया कह लो देसी भाषा में, तो चल के रहा है ने जो कल चल रहा है ना, कुछ तो ठीक चल रहा है, वो गलत चल रहा है, पार्टियाँ बहुत ज़्यादा हो गई समाज में, उनको हटा देने के लिए हमने हटा दिया भादरा खाप और मकामा खाप ने ये पहल की है, जो आज जीत जिले की पूरी खापे 23 खाप चलते रहो, ये तो बंद कर दिया, तेईस खाप हमने हमारे जींद जिले की है आज इकट्ठी करी है, बाजरा खाप और नगामा खाप ने ये पहल की है, अगर हम इनका एक अध्यक्ष मंडल बढ़ाए ऊपर पूरा जींद जिले खापों का एक अध्यक्ष मंडल हो जाएगा, जो समाज में जितनी कुरीतियाँ फैल रही हैं उनका करने के लिए हमारा ऊपर अध्यक्ष मंडल होगा, वो बताएगा उनको पालना करने के लिए हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं, हमारा जब पूरा मंडल तैयार हो जाएगा फिर ये सारी बंद हो जाएगा, कुर्तियों को दूर करने के लिए ही हमने यहाँ आज का आयोजन किया है, माजरा खाप मकामा खाप में, और ये गांव हमारा जलालपुरा कला मकामा खाप का गांव है, यहाँ हमने ये आयोजन किया है बुराइयों को दूर करने के लिए, हमने ये अध्यक्ष मंडल बनवाने के लिए आज पंचायत बुराई है, मैं प्रधान मकामा खाप सुरेश भाई बनपुर। आज क्या कहना था? आज का जो मेन एजेंडा है वो ये है, जो खापों का गिरता सतर है, हर एक खाप में एक परिस्थिति के मुताबिक एक चुने हुआ प्रधान होता सम्मानित, अब वो जो पहले वाली परिस्थिति थी अब चेंज हो गई, अब प्रधान की जो स्थिति थी और तपे की जो प्रधानों स्थिति वही आज स्पष्ट नहीं है, उसी पर्पस पे ही आज ये खाप की मीटिंग बुलाई गई है, भाई जब कोई भी स्टेट के अंदर की खापे आए तो उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की खापे कैसे उसको इनवाइट करें, कैसे उसको फॉलो करें, एक उसका माप होना चाहिए, एक खाप उसको नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक जिले के अंदर 23 खापे हैं, 23 खापों को जो दूसरी स्टेटों से आएंगे या दूसरे जिलों से आएंगे उसको कैसे उसको अनुमोदन करके उसको चिट्ठी बोलेंगे, एक तो ये हमें तय करना है। दूसरा जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकार से आगे निकल के जो हमारे बस के नहीं, जो इनका हमारे पास समाधान नहीं, उसके ऊपर हम विचार ना करके इस तरह के जो बेमतलब के मुद्दे हैं, जैसे कल खिलाड़ियों का था, वो एक फेडरेशन का और स्टेट का मसला था। मैं आपसे रोक के मतलब
जो मामला फेडरेशन का था उसको मतलब खापे लेके क्या कर रही थी, उस पर मतलब यही विचार, वो उसी पे हमारा विचार था भी ये हमारा मसला नहीं खापों का, ये फेडरेशन का, और अगर फेडरेशन में किसी के साथ ज्यादती हो रही तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, छह कोर्ट में जाए। हमारे पास अगर हम दो बच्चों का कोई डिस्प्यूट है उसमें हम कह दे भाई ये गलत है ये सही है, चलो हमने एक लड़के को सही कह दिया, उसको शायद फेडरेशन ना माने, तो फिर हमारे खापों का निर्णय का क्या मायने रह गया? जब हमारा जो अधिकार ही नहीं है तो उसके ऊपर हम विचार क्यों करें? इसी पर्पज से हमने आज खापों की मीटिंग बुलाई है कई दिन पहले, भाई जो खापों की मर्यादा है, जो हमारे राइट हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उसके दायरे के अंदर रहकर ही हम उसका फैसला करें और उसके दायरे के अंदर रहकर कि हम समाज का और व्यवस्था का पालन करें। इसी पे आज मेन चर्चा तो आज यही है और इसीलिए आज जो जींद जिले की हम एक कार्यकारिणी बनाएंगे, कई मेंबर बनाएंगे, वो किसकी चिट्ठी लेनी है, क्या हमारे अधिकार है, किस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, किस पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और उसको हम ले लेते हैं तो उससे एक जो खाप की छवि है ना तपे की जो छवि वो खराब होती है और उससे समाज में भी विघटन होता है। अब एक तो हमें यही नहीं पता आज का जो इशू ये भी है, जब खाप और तपों के अंदर सब कुछ समावेश है तो फिर उसके अंदर अन्य प्रावधानों का मतलब व्यवस्था सिस्टम क्या, क्योंकि इसके अंदर सभी जातियां होती है, सभी गोत्र होते हैं, सभी धर्म होते हैं, तो उसकी एक अपने आप में स्वतंत्र बॉडी है वह, और उसके एक संस्कारिक नियम है, कानून के बराबर काम करता है, क्योंकि संस्कार से ही जो खाप का व्यवस्था वो संस्कार से चलता है ना कि कानून से। तो इसलिए जितनी भी बुराइयां उसके बस के उसको कवर करें और समाज को बढ़िया संदेश दे और लड़ाई झगड़ा का को कारण ना बने, इसलिए ये मेन पंचायत आज की। मेरे साथ में यहाँ पर युवा भी है जो कि इन मामले से कहीं ना कहीं वो नजदीक आते जा रहे हैं। भाई पंचायत तो बेचारा काम में यार थोड़ी तो बात बता इसको हो, मतलब जैसे कि एक मामला चल रहा है लीव एंड रिलेशनशिप का चल रहा है, आपने बेरा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं आप अपनी तरफ से उसके मतलब आपका सुझाव क्या है, लीव एंड रिलेशनशिप जो करने लग रहे हैं वहाँ एक गोत्र का जवान बच्चे ही ये काम कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ। मैं आपको मान रहा हूँ, हो सकता है ये चोट आपके लग रही है, आप लीव एंड रिलेशनशिप करने लग रहे हैं तो आपके विचार के हैं, फैसला नहीं हो रहा मैं क्या करा, वो फैसला तो आपके हाथ में है लीव एंड रिलेशनशिप का, तो जब लीव एंड रिलेशनशिप हुआ है उस टाइम पर कोई किसी ने कुछ पूछता वो फैसला ये कुछ करते हैं वो आपका हाथ में इसके बारे में समाज के अंदर पूरे युवाओं के अंदर भी जो है जागृति की सख्त जरूरत है। जैसे आज हमारे गांव जलालपुर कला में पूरे जिला जींद के तीनों गामा खाप ने जो के अच्छा आयोजन किया है सभी खापों का, ये इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए कि जितनी भी समाज के अंदर आज जो बुराइयां हैं इसमें हमारा युवा भटक चुका है, हमारा युवा भटक चुका है, तो इसको जो है इन युवाओं को समझाने की जो है मुहिम चलाने की हमें सख्त जरूरत है, ताकि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो भी इसके प्रति जो जागरूक हो और हमारा जो युवा है जो भटक चुका वो भी इसके प्रति जागरूक हो और ये बुराइयां मिट जाएं समाज से। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, एक कोर्ट मैरिज, सबसे बड़ी बीमारी, बिल्कुल जी सबसे बड़ी बीमारी, कोई कुछ नहीं कर सकता, भले मार बाबू आगे आगे तो भीतर पाऊंगे, इसको ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जो आज जिला जींद की जो खापों की जो पंचायत हुई है आज इसी उद्देश्य पर हुई है, भाई जो लीव रिलेशनशिप है वो नहीं होना चाहिए, उसमें माँ बाप की सहमति जरूरी है, अगर माँ बाप की सहमति होगी तो बच्चों में मतलब संस्कार माँ बाप दें भाई ये गलत है और उनकी आज्ञा से ही अगर काम बना रिलेशनशिप का ये है कि मतलब जो ये पंचायत हो रही है आज ये कई मुद्दों पर है पंचायत, मैं खा तो इसमें हमने समाज में है ना एक मतलब मैसेज देना है युवा साथियों को कि भाई अपना लिव रिलेशनशिप ये गलत है और मतलब अपने माँ बाप की सहमति से ही मतलब उस काम को आगे अंजाम दिया जाए जब ये मतलब समाज मतलब सुचित रह सके, जी सुरक्षित रह सके। ये नौगामा की जो आज खाप की पंचायत है और इस पंचायत में बहुत से फैसले होने वाले हैं,
मतलब जिला जिंदगी वैसे इसकी अगुवाई किसने करी है? नौगामा खाप ने करी है। अगुवाई जो है वो नौगामा खाप ने करी है। पूरा जिला जिंदगी जितने भी खाप जिला जींद में आवे हैं सारी खाप आज आड़े इकट्ठी हो रही है। मैं आपको शुरू में कह रहा था बेरानी कितने गगामा के आदमी आड़े इकट्ठे हो रहे हैं, के मामला है, के बात है, वो मामला यू है। और जो भी अपडेट आड़ते लेकर के आवेगी नहीं वो भी हम आप तक देने की कोशिश करेंगे। और ये सारे मुद्दा के निजी विचार थे, इस पर हमारे चैनल का और हमारा कोई लेना देना नहीं था। जय जवान जय किसान।